सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ संध्या राणा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरे पहाड़ पे। तो कैसे आप लोग, आई होप कि सब बड़े होंगे और मैं भी सही से हूँ। तो फिर से नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और नए दिन के साथ साथ नया ब्लॉग शुरू हो रहा है। और अभी धूप निकलने वाली है और आजकल पहाड़ों में काफ़ी ठंडा होने लग गया है और हमने स्वेटर भी पहन ली है और आज मैं फिर से रेडी हो चुकी हूँ और मैं आप लोगों को ले चलूँगी ये मेले में। और आज हम जा रहे हैं मेले घूमने, क्योंकि आगे मैं रेडी हो चुकी हूँ और जाग में मेरा वेट कर रही है मेरी सहेली। तो चलो चलते हैं मेले में। तो हम पहुँच चुके हैं मेले मार्केट में। तो घर से आने के बाद मैं रास्ते में ब्लॉग नहीं बना पाए और बड़ी मुश्किल करके हमको गाड़ी मिली है और गाड़ी में बैठने के बाद मैं सीधे भीरी मार्केट में पहुंच चुकी हूं और मौसम भी देख सकते हैं कैसे हो रखा है। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। तो जो मेरे साथ थे वो अभी चले गए हैं अपने कमरे में यही उखीमठ मार्केट में और मैंने सोचा तब तक मैं आगे चली जाऊं मंदिर में, और क्योंकि मंदिर में काफ़ी भीड़ पड़ जाती है उसके बाद मुझे वीडियो बनाने के लिए नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो देख सकते हैं जो उखीमठ मार्केट में मंदिर के सामने जो दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जो मंदिर में चढ़ावा जाता है तो इसकी अच्छी अच्छी थालियाँ यहाँ पे सजाई रखी हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आज आ रही हूँ 13 साल बाद आ रही हूँ मैं उखीमठ मंदिर में। तो काफ़ी मतलब 13 साल पहले आई थी मैं यहाँ पे और मैं पहुँच चुकी हूँ उखीमठ जो ओंकारेश्वर मंदिर है। तो ओंकारेश्वर मंदिर के पास में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओंकारेश्वर मंदिर का जो खूबसूरत नज़ारा है ना, जो खूबसूरत मंदिर है, कितना प्यार से यहाँ पे सजाया गया है मंदिर को। तो आपके सामने मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से यहाँ पर मंदिर को सजाया गया है। तो लीजिए आप भी कीजिए ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन। यहाँ से जो उखीमठ मार्केट है ना, ये काफ़ी बड़ा मार्केट है और देख सकते हैं कितनी चहल पहल यहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है। तो अभी मंदिर परिसर में बिल्कुल खाली है। तो जो यहाँ पे दर्शक लोग हैं वो आ जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलो चलते हैं मंदिर के लिए। तो मंदिर के लिए मंदिर में प्रवेश कर रही हूँ तो देखते हैं अंदर का क्या नज़ारा है। तो काफ़ी सालों बाद मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है पंडित जी। बना मंदिर तो मंदिर देख सकते हैं, मंदिर परिसर जो यहाँ पे पंडाल बनाया गया है, कितना प्यार से फूलों से यहाँ पे केलों से सजाया गया है और काफ़ी खूबसूरती यहाँ पे चार चांद लगा रहा है, कितना प्यारा देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब मैं 13 साल पहले यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था और 13 साल बाद इतना अच्छा यहाँ पर मुझे लग रहा है आके। Thank you.
सीता माता को ध्यान लानो, माता पार्वती को ध्यान लानो। जो ओंकारेश्वर मंदिर में जहाँ हम आ रखे हैं तो इसकी भीड़ देख सकते हैं, इतने ज़्यादा भक्तजन यहाँ पे हैं। और मंदिर के पीछे जो नीचे सड़क में देख सकते हैं, बिल्कुल भी वहाँ पे आने जाने के लिए जगह नहीं है। गाड़ियाँ और इतने भी यहाँ पे मेले में आने के लिए और जो मंदिर में आने के लिए दर्शक हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ पड़ी है कि पूछो मत। ये तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पीछे मंगोली गांव के ठीक सामने पे देख सकते हैं जो ये मंदिर है, तो यहाँ पे आएगी मधमेश्वर भगवान की डोली और मधमेश्वर भगवान की डोली उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करेगी फिर मधमेश्वर मंदिर में। तो चलो ले चलते हैं आपको मधमेश्वर ओंकारेश्वर मंदिर में।